अपने राजेश बेटे की जितनी तारीफ की जाए सो कम है। मैं क्या दुनिया कहती है, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारोबार संभालना कोई खेल नहीं है। कुछ फिल्में आपके जीवन का अहम हिस्सा बन जाती हैं, और एक ऐसी ही कल्ट फिल्म है हम आपके हैं कौन, जो 25 साल शानदार पूरे कर रही है। और इस सेलिब्रेशन को हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए हैं राजेश भैया यानी मोहनीश बहल जी, आइए उनसे बात करते हैं। चलिए ना भैया। ये जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, ये आई डोंट थिंक मैं इसके काबिल हूँ। ये काबिलियत एक्चुअली दरअसल सूरज कुमार बजातिया जी और राजश्री फैमिली और बाकी सब कास्ट और क्रू को जानी चाहिए। यू नो इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ टीम एफर्ट। नहीं सर, आप एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। और जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि मैंने जो पहली ऐसी फिल्म देखी है जो एक सेलिब्रेशन थे, सिर्फ फिल्म नहीं थी, वो हम आपके कौन थे। यू नो ये सेलिब्रेशन की बात जब आप करते हो तो मुझे याद है हम आपके हैं कौन जब रिलीज बन रही थी और रिलीज हुई तो उस वक्त इस किस्म की फिल्में नहीं बनती थी, ज़्यादातर एक्शन फिल्में थी वगैरह। तो जहाँ तक सेलिब्रेशन की बात थी, काफ़ी हमारे जो शुभचिंतक थे जब ट्रायल पे आते थे और देखते थे, उनको ये लगता था और ऑनेस्टली बोलते थे अरे ये तो एक पंजाबी वेडिंग वीडियो जैसी लग रही है। you know? क्योंकि बट यू सी स्क्रीन प्ले इतनी खूबसूरत थी कि ड्यूरिंग द song sequences also there was like a musical, true musical. तो वो celebration था और तब से लेके अब तक celebration ही चल रहा है। अरे भाभी भाभी बचाओ, भाभी बचाओ, भाभी। तब आपने सोचा था सर कि आज मतलब 25 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी इस फिल्म को बोल सकते हैं कि आज के लोग भी जो देखते हैं, यूथ जब देखता है तो बिल्कुल ऐड पाता है, आज भी लगता है कि वो फिल्म आज की फिल्म है। यू नो जब फिल्म बन रही थी तो एक एहसास था कि बहुत अच्छी कुछ फिल्म बन रही है। वो जो माहौल था लोगों का, कास्ट और क्रू का, सूरज जी का, राज बाबू जी का, दिस इज़ अनबिलीवेबल। ये जो यू नो जो हम आपके हैं कौन की जो इतने साल बाद और एक पूरी पीढ़ी यू नो आगे, पीपल स्टिल सी द फिल्म। आ गए बड़े भैया, चलिए ना, चलिए ना, चलिए ना काका। आ गए बेटा राजेश, आज बड़ी देर तक चली तुम्हारी मीटिंग, क्या कहा फॉरेन कोलैबोरेटर्स ने? काका सब डिस्कशंस डिटेल में हो गए हैं, अब वो हमारी रिपोर्ट स्टडी करके बताएंगे। और काका अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक गया ना तो जैसे आपने कहा था इस फैक्ट्री का देश भर में कोई मुकाबला नहीं होगा। देखा प्रेम, तेरा भैया तुझे बिजनेस में लॉन्च करने के लिए कितनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है। सर फिल्म को रिलीज हुए 25 साल हो गए हैं लेकिन आज भी लगता है कि फिल्म आज की फिल्म है, आज के यूथ भी उससे रिलेट कर पाते हैं। आपको क्या कैसा फील होता है इस चीज़ को देख? कोई कंपेरेबल फीलिंग नहीं है। मैं पर्सनली अगर मैं कहूँ तो आई बिलीव कि मेरा जो करियर है वो मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ, ये जो पिलर्स होते हैं ना वो मैं इन तीन फिल्मों को उन पिलर्स में गिनता हूँ। एंड ऑनेस्टली उस वक्त जब हम फिल्म बना रहे थे तो यू नो ऑनेस्टली कभी सोच नहीं सकते थे कि सक्सेस, हाँ कमर्शियल सक्सेस हाँ, लेकिन एक जो लॉन्जेविटी है इतने सालों तक लोग उसे याद करेंगे और फिर टेलीविजन पे आए तो लोग देखते हैं, वो नहीं सोचा था कि ये होगा। बट आई गेस ये यू नो आप चाहते हो कि आपकी आपका परिवार ऐसा हो, आप चाहते हो कि हर परिवार में कोई राजेश जैसा हो, कोई प्रेम जैसा हो, कोई निशा जैसी वर, यू सी तो देयर इज दैट लॉट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। बहुत अच्छी पेंटिंग है। थैंक यू। पेंटिंग तो आप ही करते हैं है ना? हाँ करता तो हूं लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं। मुझे याद है
एक जंक्शन है अंधेरी साइड में और फिल्म रिलीज हुई थी और मेरी गाड़ी रुकी थी सिग्नल पे और सामने से मेरी गाड़ी मुझे दूसरी गाड़ी नज़र आई, पहचानी सी थी, सलमान की गाड़ी थी, उसने भी पहचाना, हम दोनों ने पहली बार मिल रहे थे, पता चला कि फिल्म चल गई है, हिट हो गई, दोनों उतरे इस मेन अंधेरी जंक्शन पे, भाग के गए, लपट गए वहाँ पे, यू नो, तो वो सेलिब्रेशन था। एक एक कैरेक्टर वो आज भी लोगों के जहन में है, चाहे वो प्रेम हो, राजेश भैया हो, पूजा भाभी हो, निशा हो, या इवन वो डॉग का कैरेक्टर हो, बिल्कुल टफी का, बिल्कुल बिल्कुल, नो, इट्स अमेजिंग, दिस इज सूरज कुमार बजाजिया जी, यू नो, इज मास्टर ऑफ कैरेक्टराइजेशन, और हर कैरेक्टर वहाँ पे हो तो उसकी कोई वजह है, एक मोटिवेशन होता है कैरेक्टर का, एंड हाउ दैट प्लेज इन द होल स्क्रीन प्ले, एंड दैट इज व्हाई देयर इज दैट आइडेंटिफिकेशन, बट दिस गोज टू The creative team, राजश्री की जो creative team थी। जी, और फिल्म, इस फिल्म ने काफी लोगों के जीवन में काफी बदलाव किए, आप किस तरीके से देखते हैं, कितना बदलाव आपके जीवन में? हर फिल्म ने बदलाव किया मेरे लिए, सूरज जी के साथ जैसे मैंने प्यार किया, इट्स अ फिल्म दैट ब्रॉट मी बैक इनटू द फिल्म इंडस्ट्री इन द नेगेटिव, एंड सलमान को पॉजिटिव में, एंड फिर जब यू नो क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में उस वक्त, मैं अब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त जब टाइपकास्ट होना बहुत आसान था, और जैसे कि आपकी, जैसे मैंने प्यार की हिट होगी, मैं मेन विलन मैंने की उसमें नेगेटिव रोल किया, और एक सोफिस्टिकेटेड विलन जो, तो हर फिल्म में आपको वही कास्टिंग होती थी, सो इन अ वे टाइप कास्टिंग अच्छी बात है क्योंकि आपको काम बहुत मिलता था, यू नो, बट एज एन एक्टर इट्स लिमिटिंग, क्योंकि बट आई वॉज लकी क्योंकि उसके बाद सूरज जी ने मुझे हम आपके हैं कौन ऑफर किया, एंड कम्प्लीटली डिफरेंट रोल, मतलब ब्लैक से लेके बिल्कुल वाइट, तो फॉर मी एज एन एक्टर इट गेव मी द यू नो द प्लेटफॉर्म टू पुट अक्रॉस टू द ऑडियंस इन द इंडस्ट्री कि एज एन एक्टर मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, यू नो, तो दैट फॉर मी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर। चलता हूँ, टेक केयर। क्या बात है प्रेम? भैया, भाभी की डिलीवरी अब किसी भी वक्त हो सकती है, इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है, और ऐसे मौके पर उन्हें ही अकेला छोड़कर आपको मेरी वजह से फौरन जाना पड़ रहा है। तो ये बात है, चल मेरे साथ। पूजा, देखो तुम्हारा देवर क्या कह रहा है। क्या बात है प्रेम, क्या बात है? कह रहा है कि डिलीवरी अब किसी भी वक्त हो सकती है, और ऐसे मौके पर इसकी वजह से मुझे फौरन जाना पड़ रहा है। जी, और आप आज जब हम 25 सालों के वो शानदार सेलिब्रेशन की बात करें, कुछ यादों के झरोखों से आपको कुछ वो नॉस्टैल्जिया वो याद आ रही हैं, चीजें क्या है? यू नो, मुझे एक व्हाट कम्स टू माइंड इज हमारी पहली शेड्यूल जो थी सबके साथ में, वो ऊटी में थी आई थिंक, एंड वी ऑल न्यू ऑब्वियसली कि टाइटल ऑफ द फिल्म इज हम आपके हैं कौन, तो उस शाम को जब सब लोग इकट्ठा हुए थे, लोग अपने अपने मतलब शहरों से आए थे ऊटी में, तो राजबाबू जी ने एक मीटिंग बुलवाई पूरी यूनिट की, कास्ट क्रू वगैरह सब लोग, और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, वेलकम किया सबको, जो पुराने थे मैंने प्यार किया के उन सबको तो वेलकम किया, और जो नए लोग ज्वाइन किए थे कास्ट और क्रू में उनको भी वेलकम किया, और उन्होंने, आई रिमेंबर व्हाट राजबाबू जी सेड, ही सेड दैट हमारी फिल्म की टाइटल है हम आपके हैं कौन, लेकिन आप ये याद रखिए आप सब कि हम आपके हैं, यू नो, सो दैट इज वन मोमेंट विच आई रिमेंबर, अनफॉर्चुनेटली इज नॉट विद अस, आई क्या करें, दैट्स लाइफ ना। मुनीश सर, और सूरज बड़जात्या जी से आपका तो, आपने मैंने प्यार किया जैसा कि आप बता रहे थे, उससे रिश्ता आपका बन चुका था,
हम आपके कौन में जब आप उनके साथ काम कर रहे थे, वो कैसा रिलेशन था, कैसा उस पर? मैं काम के वक्त मैं नहीं, क्योंकि वो बात की बात है। तो जब मुझे बुलाया गया कहानी सुनने के लिए, स्क्रिप्ट और मेरा रोल सुनने के लिए, तो सूरज जी इन हिज इनिमिटेबल स्टाइल उन्होंने फुल नरेशन दी विद कंप्लीट, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक तक सुना। ही वाज इज दैट डिटेल व्हिच इज फैंटास्टिक। यू नो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने उनको ये सवाल पूछा पूरी स्क्रिप्ट सुनने के बाद, बोला सूरज जी एक बात बताइए, जो किरदार आप मुझसे करवाना चाहते हो वो अब क्या है? राजेश जो है वो लीड कैरेक्टर है, इसमें तो मैंने विलेन किया था, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कहीं नाम गलत तो नहीं है इन्होंने यू नो कैरेक्टर का ले लिया। सूरज जी बोलते मुझे जी आप स्क्रिप्ट सुन नहीं रहे थे? अच्छा नहीं नहीं मैं सुन रहा था यू नो, नहीं क्योंकि उनको कहीं ऐसे नहीं लगे कि मैं स्क्रिप्ट नहीं सुन रहा हूँ, मेरी ध्यान नहीं है इस पर, किसी और को ले लो। तो नहीं नहीं मैं सुन रहा था, लेकिन राजेश आर यू श्योर? क्योंकि आफ्टर ये टाइपकास्ट स्टीरियोटाइप वाली, आई सेड आर यू श्योर? ही सेड आई एम श्योर, व्हाई यू आर नॉट? आई सेड नहीं आई एम ओके, आई एम ओके। सुरजीत इट्स अ लीड रोल, ही सेड यस आई नो। उससे बात निकली, आई मस्ट टेल यू दिस, उससे बात निकली। खैर आई वाज सरप्राइज्ड, मैं घर गया सोचने लगा कि ये वाकई में, क्योंकि वो होता नहीं था। शूटिंग शुरू हुई, राज बाबू जी ने मुझे एक दिन कहा, गोइंग बैक टू मैंने प्यार किया, यूसी क्या हुआ था, जब सलमान ने मेरा नाम रेकमेंड किया मैंने प्यार किया के लिए विलेन के रोल के लिए, और सूरज जी ने मेरा ऑडिशन लिया था उस वक्त एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, वो फेमस जो डायलॉग हो गया उस पर, और उन्होंने मुझे कहा कि मुनीश जी वी वुड लाइक टू कास्ट यू, बट आप नूतन जी के बेटे हैं नेगेटिव रोल में। तो मैंने कहा नहीं मॉम इज़ फाइन एंड ऑल दैट, और सलमान ने भी बात की मम्मी से, और माई मदर कॉल्ड अप एंड स्पोक टू राज बाबू जी, क्योंकि उनके बहुत पुराने रिलेशंस थे, और उन दोनों के बीच कुछ बात हुई और मैंने प्यार किया की उस वक्त। अब वो क्या बात हुई वो राज बाबू जी ने मुझे रिवील हम आपके हैं कौन के शूटिंग के दरमियान बताया। उन्होंने कहा कि आपको याद है वो बात हुई थी? मैंने कहा हाँ बात हुई थी, क्या आपको पता है क्या बात हुई थी? मैंने कहा जी नहीं, आप क्यों क्या बात हुई थी? उन्होंने कहा कि मम्मी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि डोंट पनिश माई सन फॉर बींग माई सन, अगर इफ ही सूट्स द रोल गिव हिम द रोल। उस दिन मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं मुनीश को ज़रूर एक पॉजिटिव रोल में कास्ट करूँगा, और इससे बात बनी है हम आपके हैं कौन, मेरा जो किरदार मुझे कास्ट किया है इसमें। सो यू सी आई बिलीव कहीं ना कहीं ये जो हाथ होता है ना बुजुर्गों का, वो तब भी था अब भी है। लेकिन सर मुझे लगता नहीं कि आपसे बेहतर वो रोल कोई कर पाता। That is Suraj's department. Suraj ji ki, yeah, that is his command. वो जो एक दो भाइयों के बीच की वो लव स्टोरी उसको कहा जा सकता है, कई और भी उसको नाम दिया जा सकता है, लेकिन मेरे लिए वो जो है वो एक फैमिली वाली जो फीलिंग है, इमोशन बॉन्ड है, दो भाइयों का जो एक बॉन्ड है वो रियल और रियल लाइफ दोनों में उभर कर आता है। नहीं, लेकिन ये वाकई में ये श्रेय जाता है सूरज जी को। He's brilliant, really. एंड देन सलमान की मेरी इतनी पुरानी यू नो दोस्ती है, वी नो ईच अदर फॉर सो लॉन्ग, सो एक है शायद पिछले जन्म में कुछ थे हम लोग। या पेंटिंग पसंद आई? अभी दोपहर से देख रहा हूँ कि तू हर 15 मिनट में मुझसे यही सवाल कर रहा है, आखिर बात क्या है? बात यह भैया कि मैं आपके लिए कुल्लड़ वाली चाय लेके आता हूँ। रुक, अब बता सच बात क्या है? पहले वादा करो, डांटोगे नहीं मारोगे नहीं, वादा? हाँ भाई वादा। पेंटिंग पसंद आई? हाँ। पेंटिंग के रंग पसंद आए? पेंटिंग करने वाली पसंद आई? अरे वाह भैया, यही सुनने के लिए तुम आपके यहाँ पे लेकर आए थे, मुबारक हो भैया। काका ठहर तो जा। काका काका भैया की तो निकल पड़ी प्रेम। प्रणाम महाराज।
आप दोनों स्क्रीन पर भी आते हैं तो ऐसा लगता है सही में वो रियल भाई वाली बॉन्डिंग है, वो दिखती है। वो हम आपके अकाउंट पे भी वो कमाल की आपकी बॉन्डिंग दिखी है, होता है। और आप बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं निशा और प्रेम के, जो वो उनके बीच का जो रिलेशन है उसके भी बॉन्ड आप ही हैं, एक पुल हैं आप उसके। वो होता है ना, दैट इज द स्क्रिप्ट, दैट इज द स्क्रिप्ट, बट दैट मैजिक हैपेंस बिकॉज़ यू सी आई बिलीव ये जो सिनेमा पे जो कुछ चीज़ें चल जाती हैं, अच्छी लगती हैं लोगों को, दैट इज़ योर स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, एंड वो श्रेय जाता है डायरेक्टर को, इन दिस केस सूरज जी को। And then the whole team works together towards to realize that concept and dream. और सर एक और चीज़ थी कि इस फिल्म में ना सिर्फ फिल्म के तौर पर बल्कि इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन भी लाया। आप बी एड डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर देखें या फिर आप देखें कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाइज हो, हर तरीके से फिल्म एक रिवॉल्यूशन थी अपने आप में। उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं बट थी ना, यू राइट फ्रॉम द स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले से ही वो थी। बट यू नो दिस इज Everything worked, as जैसे आपने कहा था, right from concept to exhibition stages, everything worked, and that's why we are sitting here आज और 25 साल बाद हम लोग, you know, इसको celebrate कर रहे हैं। वाकई वो जो आप जो चीज़ बता रहे हैं, वो जो nostalgia आप सब अभी हमें बता रहे थे, वो चीज़ मैंने सूरज जी और सलमान साहब के interview में भी देखी। वो बता रहे थे कि कैसे एक एक गानों में, एक एक सीन में वो इमोशंस देख रहे थे। बिल्कुल। और जैसे आपका सीन है, इवन शादी वाला सीन है उसके पहले, और वो सब चीज़ों में, एक एक सीन्स में कैसे इमोशंस थे, इवन आपके सलमान के जो साथ में सीन्स हैं कैसे वो कर रहे हैं, तो लिटरली वो एक एक आँखों में ट्विंकलिंग या फिर नमी आना, वो सब चीज़ों पे देख। एवरीथिंग डन बाय सूरज जी, वो एवरी डिटेल। इसलिए जब स्क्रिप्ट सेशन हुई थी, फर्स्ट स्क्रिप्ट सेशन, और जब मैंने पूछा कि ये ही रोल, तब ये सब डिटेलिंग बताई गई थी, यू नो दैट इज़ हाउ मच डिटेलिंग इट वाज। तो इसलिए जब लोगों ने फिल्म ट्रायल के दौरान देखी तो उन्होंने पूरी फिल्म नहीं देखी, वो कभी गाना कभी कुछ, तो वो टूटी हुई फिल्म देखने में लोगों को लगा ये तो पंजाबी वेडिंग वीडियो है, क्योंकि वो कहानी उनको नहीं पता थी। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज द सॉन्ग्स इन हम आपके कौन वो यूज एज अ सीन टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड, या प्रेम निशा का जो लव है उसे आगे लेना, या राजेश और जो शादी बढ़ रही है, और बाकी सब चीज़ें भी, यू नो, सो इट वॉज नेवर बोरिंग, इट वॉज नेवर अ सॉन्ग बाई इटसेल्फ जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सॉन्ग एंटरटेनमेंट, वैसे नहीं था। आज हमारे दिल में, आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। हम कुछ आज सुनाए ये उनका भी मन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। और फिल्म में जो कई सीन्स हैं, अब तो शादियों में वो जैसे जूते चुराने वाला सीन हो गया, या कई और भी सीन्स हैं, वो अब उसके बाद वो लोगों ने उसको अपना पार्ट बना लिया, हिस्सा बना लिया जीवन का, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या बताऊं मैं, एवरीवन नेवर थॉट यार रियली, बट दिस इज आई जेन्युइनली बिलीव के मैंने प्यार किया, इवन दो नेगेटिव रोल मेरे लिए, हम आपके हैं कौन एंड हम साथ साथ हैं, ये तीन जो फिल्मों में मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दीज फिल्म्स, नॉट ओनली फ्रॉम द फैक्ट दैट वन इज़ गॉन डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा टू बी पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस, बट यू नो ऑडियंस के दिल में एक जगह बना ली ना, दैट्स बिकॉज ऑफ दीज फिल्म्स। और आज भी आप आई एम श्योर जब भी मिलते होंगे सूरज जी से, सलमान साहब से, तो आप लोग कभी ना कभी वो जो आप लोग शूटिंग के वक्त जो अच्छे पल बिताए हैं आप लोग ने, वो शेयर करते होंगे कुछ? यू नो स्पेसिफिकली कोई पल होते नहीं है, एक एहसास होता है, इट्स द वार्मथ, इट्स द नॉलेज के ये अपनापन है, वी आर फ्रेंड्स, वी नो ईच अदर, वी हैव बीन थ्रू समथिंग वेरी नाइस टुगेदर, दैट इज हाउ आई फील। स्पेसिफिक्स, you know, if you remember any relationship with anybody who's dear to you, I believe you don't remember specific incidences, it's a feeling, you identify with their pain, you with their pleasure,
That's what I feel with Suraji and Salman. और वो family का जो family values हैं, bond है, इस film ने जो आगे बढ़ाया उन चीजों को, वो आपको लगता है कि आजकल की फिल्में उसमें वो कमी है, कमी दिखाई देती है? नहीं, देखिए आजकल जो फिल्में बन रही हैं, I'm not seeing so many films made जिस पे इन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है. You're seeing more, how do I describe it? You're seeing more रियल सिचुएशन में फिल्म डिपिक्ट करना, जैसे कि लिव इन सब्जेक्ट्स या सोसाइटी में. हाँ, यू सीइंग दैट काइंड ऑफ सिनेमा. सो ऑब्वियसली जब आप उस सब्जेक्ट को छू नहीं रहे हैं अभी, देन यू विल नॉट सी दैट काइंड ऑफ थिंग. बट अगेन एट द सेम टाइम आई विल गिव अ रेफरेंस वे यू सी a relationship of I recently saw the film called Piku. You know, you see this father daughter relationship, you know, so that's another new way of looking at it. So this is the kind of cinema we are seeing today. To go back and try to make Hum Aap Kya Hain Kaun will be very difficult for anybody today. You know, it's jaise Shole kaise banayenge, you know, it becomes a epic. But a country, a traditional country like India, yahan par family values और वो रिलेशनशिप, वो बॉन्डिंग, उन सब चीज़ों का जो इम्पोर्टेंस है उसको ज़्यादा रखा जाता है वहाँ, आपको नहीं लगता आज भी वो चीज़ें वो प्रासंगिक हैं, आज भी ये फिल्म बनाई जा सकती है? संस्कार तो हैं, बनाई जा सकती हैं. मेरे ख्याल से सिर्फ थोड़ा एक प्रेजेंटेशन में शायद वो भी बदलाव लाना पड़ेगा. आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी टू ब्रिंग इट दैट वे. बट इवन इफ यू सी cinema today, the family plays a very important role. And you know, ये जो है हम लोग ये सोचते कि हमारी कल्चर में ही फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर आप देखें तो वेस्टर्न कल्चर्स में भी फैमिली इंपॉर्टेंट होती है. यू नो, यू सी इट इन यूरोप ऑल्सो, यू सी दैट, यू सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली. वी आर सोशल एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, यू नो, फैमिली यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. सर, और कोई बात ऐसी जो याद आ रही हो आपको फिल्म शूट करते समय, जिसके बारे में आज तक ज़्यादा दर्शकों को पता ना हो, कुछ वैसा कुछ? नहीं, मुझे अक्सर ये लगता है कि यार उस ज़माने में मोबाइल कैमराज क्यों नहीं थे, क्योंकि कम से कम सेल्फीज़ और फ़ोटोज़ तो लेते, तो वो जो यादें थी ना, वो अब भी होती हमारे हाथ में जो आजकल है. आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ फोटोग्राफ ऑफ मी लाइंग डाउन एंड सलमान मेरे ऊपर पड़ा हुआ था, और वो टफी कुत्ता भी साथ में था. वो कहीं ना कहीं आपके आकाश में होगा. राजश्री को बोलो, पीके गुप्ता जी को बोलिए कि ढूंढ के निकाले. कुछ तो होगा, यू नो. तो अनफॉर्चुनेटली वो जो यू गेट दीज मेमोरीज, बट आई विश वी हैड सेल फोन्स. या सलमान को पसंद नहीं होगा सेल फोन कैमरा, उसे पसंद नहीं, क्यों सलमान? बट या दैट वो मेमोरीज रहती. और जब अब फिल्म इतने शानदार, इतने वक्त बिता चुकी है और एक सेलिब्रेशन होने वाला है, अपने फैन से जो इस फिल्म को एज अ सेलिब्रेशन के तौर पर देखते हैं, एक अपने जीवन का अहम हिस्सा समझते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ, बहुत आभारी हैं रियली यार. आई मीन, यू नो, यू आप सबको कह रहा हूँ कि द आई बिलीव कि मैं अब भी एक एक्टर हूँ, आप लोगों के सामने आता हूँ. खुशकिस्मत समझता हूँ मैं अपने आप को कि मैंने मुझे ये फिल्म में राजेश का रोल मिला, नहीं तो आई डोंट थिंक आई कुड हैव सर्वाइव्ड. इट्स बीन व्हाट 38 इयर्स नाउ आशीष, सिंस या वेल 38 साल हो चुके हैं. थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग सूरज जी इस फिल्म, एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग ऑल ऑफ अस जेन्युइनली. आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि this is something that was long overdue. Thank you. True for the audience. काका, ये आपका लाडला, जो हर छोटी सी छोटी बात मुझसे पूछा करता था, आज इतनी बड़ी बात अपने दिल में छुपा के, अपनी हंसी में दबा के, पराया कर दिया इसने आज अपने भाई को. नहीं प्रेम, ये तुमने ठीक नहीं किया. मम्मी, पूजा के जाने के बाद मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी, मुन्ने को कभी मां की कमी महसूस ना हो. मैं तुमसे पूछता हूं निशा,
अगर तुम मुन्ने को उसकी चाची बनकर अपनाती तो क्या तुम्हारी ममता कम हो जाती? बोलो निशा, बोलो, चुप क्यों हो निशा, जवाब दो। अरे पगली, सारा जीवन सारी खुशियां त्याग करने चली थी? हाँ? राजेश बेटा, तुम इन पर नाज होना चाहिए। इन्होंने जो कुछ भी किया अपना फर्ज समझ के किया बेटा। अब मुझे भी एक फर्ज पूरा करना है मामा जी, पूजा का अधूरा सपना। सच मानू तो गलती मेरी ही थी पूजा, मैं ही नहीं समझ पाया कि तू मुझे क्या कहना चाह रही थी जाते समय। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस, और इतनी अच्छी मेमोरीज और ये यादगार पल जो आपने शेयर किए हम लोग के साथ। आई होप कि ऐसे कितने ही आप अच्छी फिल्में देते रहें बॉलीवुड को और इसी तरीके से हम लोग को एंटरटेन करते रहें। तो ये तब होगा जब सूरज जी जैसे डायरेक्टर्स और फिल्म बनाइए, सूरज जी फिल्म बनाइए। ऑल दिस फाइव ईयर गैप्स विल नॉट डू, मेक अ फिल्म नाउ क्विकली। जी आपकी बात जरूर पहुंचेगी सर। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू अशोक, थैंक यू, प्लेजर।